आई, तू मुझे मार आई, मुझ पे गुस्सा कर, लेकिन ऐसे नाराज मत हो। क्यों गुस्सा करूं? क्यों मारूं तुझे? ताकि तेरे दिल से बोझ उतर जाए, ताकि तुझे लगे कि तेरी आई ने तुझे माफ कर दिया। आई, आई, तू ना, मैंने सिर्फ अपनी बेटी का साथ दिया है, पाखी जोशी का नहीं। मैंने सिर्फ आई होने का फर्ज अदा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। जब बच्चे तकलीफ में होते हैं ना, तो माँ को तकलीफ होती ही है, भले ही बच्चों ने कितना भी कष्ट क्यों ना दिया हो माँ को। ऐसा मत बोलाई, कोई मुझे नहीं समझ रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। कम से कम तू तो ऐसा मत बोल। मैंने जो कुछ भी किया है ना, उसके पीछे एक वजह थी। आई, वजह कोई भी अपने ईमान से बड़ी नहीं होती पाखी। तुझे क्या लगा तेरी आई के सामने कभी कोई ऐसी मुश्किलें नहीं आई जहां झूठ से रास्ता आसान होता हो? पर मैंने झूठ नहीं चुना, फिर तू क्यों चल पड़ी झूठ के रास्ते पर? गलती मेरी ही है, मुझे टोकना चाहिए था तुझे जब तूने पहली बार सच छुपाया। मुझे तब थप्पड़ मारना चाहिए था जब तूने पहली बार झूठ बोला। नहीं आई, तेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है तेरी। तेरे साथ इस कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है पाखी। तुझे देखती हूँ ना तो मुझे तेरी हारी हुई परवरिश नजर आती। आंसू पोंछने की इतनी मेहनत क्यों कर रही हो पाखी? क्योंकि अब तो ये आंसू दिन रात बहने वाले हैं। यहां से चली जाओ रिमझिम। तुम्हारे इस रूम में रुक के मैं करूंगी भी क्या? कितनी गर्मी हो रही है, एसी भी नहीं है। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि नक्श मेरे साथ ही शादी की रस्में करना चाहता है, और शादी के बाद एक बहुत जरूरी रस्म आज रात को ही होनी है। मैं किसके बारे में बात कर रही हूं पता है ना तुम्हें? सुहाग रात। मैं नक्श के कमरे में जा रही हूं, पत्नी हूं उसकी। अब मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, सुहागरात मनाऊंगी हर रात। रिमझिम! अरे पाखी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हल्दी चंदन लाओ। अब बंदूक की नोक पर सुहागरात तो नहीं मना पाओगी ना? सुहागरात तो तुम भी नहीं मना पाओगी, बस सपने देखती रहो। रोक सको तो रोक लो, हार जाओगी तुम। अभी के लिए चलती हूँ। चिंता मत करना पाखी, मैं कल सुबह तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि कल रात मेरी नक्श के साथ कैसी भी थी। Thank you.
नाक्ष, इस जगह खड़े होके हमने एक दूसरे से कितने वादे किए थे ना, प्यार की कसमें खाई थी। मेरा हाथ छोड़ो पाखी। कैसे छोड़ दूं तुम्हारा हाथ? तुमने पूरी दुनिया को छोड़ के मेरा हाथ थामा था और आज तुम गलती हो गई थी। कवच के टुकड़े को ना हीरा समझ लिया था मैंने। अरे तुम तो वो पाकी हो ही नहीं जिसके लिए मैं दुनिया से लड़ गया था। तुम तो वो सिल्क जिसको अपनी आवाज से ना लोगों को लुभाना आता है, बंदूक की नोक पर जबरदस्ती शादी करनी आती है। तुमसे हर किया वादा ना भूलती मेरी जिसको मैं सुधार रहा हूं पाखी। और पाखी, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना कभी हो ही नहीं सकता। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि बंदूक की नोक पर शादी करने की वजह थी मैंने तुम्हें और इस परिवार को बचाने के लिए ये शादी की, तो क्या आप नाओगे मुझे, मुझसे रिश्ता जोड़ोगे? तुमने बहुत वादे किए थे ना यहाँ, तो आज एक वादा और कर दो। अगर मैं ये साबित कर दूं कि गलत मैं नहीं कोई और है, तो क्या हाथ थामोगे मेरा, नहीं तोड़ोगे ना इस शादी को? बोलो नक्श, हाँ, नहीं छोड़ोगे ना मेरा साथ? बोलो नक्श। जिसका हर वादा झूठ हो उसे दूसरों से वादे लेने का कोई हक नहीं है। लेकिन नक्श, बा मैं अस्पताल जा रहा हूं और कल जब सुबह ईशान अस्पताल आ जाएगा तो मैं लौट आऊंगा। आप कमरे में चलकर आराम कर लीजिए, रात बहुत हो गई है। रिमझिम मेहता, रिमझिम मेहता को बुलाइए। पर इंस्पेक्टर साहब क्या बात हो गई? हम रिमझिम मेहता को गिरफ्तार करने आए हैं। उन पर अपनी बहन को जहर देकर मारने की कोशिश करने का इल्जाम है। आपकी बहू पाखी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पाखी! ये सब क्या है? मैंने रिपोर्ट इसलिए लिखवाई क्योंकि मेरे पास सबूत था। मिस रिमझिम मेहता, इन्होंने ही अपनी बहन को जहर दिया था। इंस्पेक्टर साहब, ये पाखी ना पागल हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है, बकवास करती है ये। अभी शाम को ही इसने ये बात उछाली थी और ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ये रिमझिम से जलती है, उसे बदला लेना चाहती है क्योंकि नक्श ने इसे छोड़कर रिमझिम को चुना है। सच्चाई तो आपको गवाह से सुनने मिल जाएगी मोटा भाई। अंदर आ जाइए।
हुआ रिमझिम? तुम्हारा चेहरा ऐसे अचानक से सफेद क्यों पड़ गया? खैर, अब मैं ही सबको सच बता देती हूँ। ये लड़का उस मेडिकल स्टोर में काम करता है जहां से रिमझिम ने जहर की गोलियां खरीदी थी। जिसकी वजह से आज मौसमी भाभी का ये हाल है। सबको सच सच बताओ। साहब यही थी वो। जिसने मेरे से वो जहर की गोलियां खरीदी थी और बोला था कि किसी को नहीं बोलने का करके। क्या? रिमझिम थाने में आके बयान देना होगा। अब जाओ। ठीक है सर। मैंने नक्श से कहा और आप सबसे भी कह रही हूँ कि ये शादी मैंने इस परिवार को रिमझिम से बचाने के लिए की। अरे आप लोग ही सोचिए कि जो लड़की अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है वो आप सबके साथ तो पता नहीं क्या करती। मैंने अपनी बात रखी नक्श, सच सबके सामने ले आई। अब तुम अपना वादा पूरा करो। नक्श, अपना वादा पूरा करो। सामने अब आया है पाखी। तुमने पैसे देकर इस आदमी को खरीदा ना? आप सबने देखा ना वीडियो में? और कितना नीचे गिरोगी तुम पाखी? ये जैसा दिख रहा है सच वैसा नहीं है। प्लीज तुम्हें सच बोलना ही होगा। मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूंगा मैडम? इस रिमझिम ने ही मेरे से वो जहर की गोलियां खरीदी थी, लेकिन मैं सच क्यों बोलूं? हाँ, वैसे रिमझिम मैडम ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए रोकड़ा दिया था, आप मुंह खोलने के लिए दे दीजिए। हाँ, ये लो, जो पैसे रिमझिम ने दिए थे ये उससे ज्यादा ही है। प्लीज आप तो सच बोलोगे ना? हाँ मैडम, हो जाएगा। मैंने तो बस सच सामने लाने के लिए या मुझे बेवजह बदनाम करने के लिए। आप सबने देखा ना सच कितना गिर सकती है ये। देखिए, आप पुलिस को इस तरह गुमराह नहीं कर सकती। दोबारा ऐसी हरकत की तो जेल में डाल दूंगा। आई एम सॉरी मिस रिमझिम मेहता। मिसेस रिमझिम पारेख। चलो। और कितना दुख दोगी सबको? कितना रुलाओगी? मेरी बहन कोमा में है, उनकी तबीयत का फायदा उठाते तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? ऐसे गुमराह करने चली आई सबको? गुमराह मैं नहीं, गुमराह तुम कर रही हो। बस बस करो तुम दोनों। अरे छोकरी, अब तेरी ये नौटंकी नहीं चलेगी। जो चाहती थी वो हो गया ना, आ गई ना बहू बन के इस घर में। अब चैन से रहने दे हमें। इतना बस सता के हम अपनी इंसानियत भूल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए और मेरी नफरत, मेरी परंपरा, मेरे घर के वसूल तोड़ दे। बहू बनकर आई है ना, तो
तो बहू बनकर रह, इस घर को झूठ का बाजार मत बना। छोकरा मन ले जा अंदर। तमाशा बना के रखा है। तुम जो चाल चलोगी मुझे दो कदम आगे ही पाओगी। पता था मुझे कि तुम क्या करने वाली हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई। और जब तुम उस आदमी को पैसे दे रही थी, मैंने वीडियो बना ली। कमाल की हूं ना मैं। वैसे अभी के लिए मैं चलती हूँ, मेरे वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुहाग रात है, खून करता उठा रहा हूँ मैं। ऐसे क्या देख रही है, चल निकल। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रोक पाओगी मुझे? तुम्हारी मर्जी। नाटक ना बिल्कुल नहीं चलेगा। रिमझिम तुम ठीक हो ना? ज्यादा तो नहीं लगी ना? हाँ दिखाओ इधर। मेरा पाँव। हमारी अधूरी